कमेंट में पूछा गया है कि क्या हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कास्टिक सोडा यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट और सोप वगैरह में कास्टिक सोडा यूज हो रहा है व्यूअर्स, वो रॉ फॉर्म में नहीं है, यानी खालिस हालत में नहीं होता। बिल्कुल खालिस हालत में आप कास्टिक सोडा यूज करेंगे अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत बढ़ती है और दिल भी करता है वीडियो बनाने का। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर लाजमी करें। शेयर करने से बहुत, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि क्या प्रॉब्लम्स आई है किसको और उसका सलूशन क्या है, मैं उसका सलूशन बताती हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेरी वीडियोस होती हैं। तो इसको शेयर तो आपने लाजमी करना है ताकि आप किसी और की भी हेल्प हो सके। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स आज की वीडियो में हमें एक कमेंट रिसीव हुआ है जिसमें एक कमेंट में पूछा गया है कि क्या हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कास्टिक सोडा यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा जो है ज़्यादातर आपके डिटर्जेंट या सोप वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। उसमें झाग बनते हैं और वो बहुत अच्छे से झाग बनाता है कास्टिक सोडा, और उसको आपके डिटर्जेंट और सोप में यूज़ किया जाता है। इस वजह से वो चाहती हैं कि मैं अलग से रॉ फॉर्म में जो है कास्टिक सोडा वो डालूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो डिटर्जेंट और सोप वगैरह में कास्टिक सोडा यूज हो रहा है व्यूअर्स, वो रॉ फॉर्म में नहीं है, यानी खालिस हालत में नहीं होता। उसकी भी रिफाइनरी कर या उसको भी दो तीन प्रोसेस से गुजार कर फिर डिटर्जेंट और सोप के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद ताकि आपकी स्किन को हार्म ना करे, आपके क्लोथ को हार्मफुल ना हो वो कास्टिक सोडा, और फिर उसको यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप रॉ फॉर्म में बिल्कुल खालिस हालत में आप कास्टिक सोडा यूज करेंगे अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो क्या होगा? कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पार्ट्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा, क्योंकि वो एक केमिकल है, बहुत हार्ड केमिकल है, उससे हाथ भी जल जाता है। जैसे आप उसके अंदर पानी के अंदर डालते हैं कास्टिक सोडा को तो वो रिएक्शन करता है, वो गर्म होता है और बहुत हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए भी, आपकी क्लॉथ के लिए भी, आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए भी। तो बेहतर है कि रॉ फॉर्म किसी भी चीज़ का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी रिफाइनरी के सेकेंड थर्ड फॉर्म की तरफ ही जाना चाहिए। तो व्यूअर्स मैं यही प्रीफर करूँगी कि आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में प्योर हालत का जो रॉ फॉर्म का कास्टिक सोडा है वो हरगिज आपने यूज नहीं करना है, वरना आपके हैंड्स भी डैमेज होने का खतरा है, आपके क्लॉथ्स भी डैमेज होने का खतरा है और आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को तो खतरा है ही। तो बेहतर है कि आप इससे इज्तनाब करें। और इसके अलावा बहुत अच्छी कंपनीज के भी आते हैं डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट सोप वगैरह, आजकल तो डिटर्जेंट पॉड्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो अगर आप कास्टिक सोडा ही यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह के भी ले सकते हैं डिटर्जेंट्स, जिसमें कास्टिक सोडा की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो उसके पैकेट के पीछे उन्होंने डिटेल कायदा लिखी होती है कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट की कितनी कितनी क्वांटिटी उन्होंने इसके अंदर यूज़ की है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी आप जो है कास्टिक सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि डिटर्जेंट सोप और जो डिटर्जेंट पाउडर्स और डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट, इसके अलावा डिटर्जेंट पॉड्स वगैरह जितने भी यूज़ किए गए हैं आप वो ही यूज़ करें, कास्टिक सोडा से इज्तनाब करें, गुरेज करें। इसके अलावा व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।